हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल आशा सक्सेना। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये स्कूल गोइंग गर्ल हैं और इनका हेयर कट हम करने जा रहे हैं। इनका फेस लुक एकदम चेंज ये चाह रही हैं। तो आजकल बच्चे भी बहुत ही एडवांस हो गए हैं, तो एडवांस हेयर कटिंग स्कूल गोइंग गर्ल। और ये देखिए, फ्रंट पोर्शन का हम लुक किस तरह से चेंज करते हैं वो देखिएगा। ये इनके हेयर हैं और बहुत ज़्यादा इनको लेंथ कम नहीं करवानी है, शॉर्ट नहीं कराने। स्कूल के अकॉर्डिंग हम देखिए, इनका केवल लेंथ में हम 2-3 इंच के लगभग का हेयर कट करेंगे। और फ्रंट पोर्शन का आप देखिए, बिल्कुल फेस किस तरह से इस हेयर स्टाइल में है। और हेयर कटिंग के बाद में आप देखिएगा, विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और सबसे पहले, आप अगर फर्स्ट बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आइकन बेल के साथ, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सबसे पहले आप हमारा वीडियो वॉच कर सकें। तो देखिए, ये इनके हेयर हैं और हमने इनका स्प्लिट एंड्स जो हैं नीचे के हेयर में, वो हम रिमूव करेंगे हेयर कट के ज़रिए। और लेंथ हमको कम नहीं करनी है बिल्कुल भी। हेयर ट्रिमिंग नहीं कह सकते हैं, 2-3 इंच के लगभग का जब हेयर कट होगा तो नेचुरली जो डैमेज हेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और लेंथ वाले जो हेयर हैं उनका थिकनेस जो आपको नज़र आएगा, आप खुद फील करेंगे कि किस तरह से लुक के साथ में हेयर में थिकनेस आई है और हेल्दी हेयर आपको नज़र आएंगे। हम ये हेयर कट आपको विदाउट हेयर सेटिंग के करके बताएंगे। सबसे पहले हमने ट्रायंगल रिमूव करने के बाद में देखिए, इस तरह से सेंटर पार्टिंग की। और सेंटर पार्टिंग करने के बाद में क्राउन एरिया से ही हमने, आप देखिए, वी शेप हेयर को सेपरेट करके लिया है। सेंटर पार्टिंग के बाद में वी शेप जो हमने लिया है, आप देख रहे हैं, ये एक सेक्शन तैयार हो गया। हमने कोई सेक्शन क्लिप नहीं लगाया है, लेकिन फिंगर ग्रिपिंग के साथ में हमने इन हेयर को पकड़े हुए हैं। ये देखिए, हमने इनका कट किया जो हमने हेयर सेपरेट किए थे वी शेप में। और ये करीब 4 इंच के लगभग के हेयर हैं जिनका हमने कट किया है। हमने बहुत ज़्यादा हाइट ऊपर नहीं ली है इस कटिंग की। और ये एक फेस लुक चेंज करने के लिए हमने किया है। देखिए, बहुत ही जल्दी अगर फिंगर ग्रिपिंग हमारी सही है तो फिर जो हेयर कट है बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये देखिए आप, एक बार में हमने सीजर जलाई और विदाउट फिनिशिंग दिए हुए आपके सामने हेयर कट ये है फ्रंट पोर्शन का। और विश्वास है आपको अच्छा लग रहा होगा, एकदम फेस लुक जो है वो भी चेंज हो गया। और एक स्मार्ट लुक जो स्कूल गोइंग गर्ल का आना चाहिए वो आएगा। ये देखिए, अब हम 2 इंच के लगभग का कट कर रहे हैं, क्योंकि हमने साइड से जो ईयर के पास से थोड़े थोड़े पार्टिंग करके और फिंगर ग्रिपिंग के साथ में हम गाइडलाइन अपने साथ रखते हुए कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम दिखाने के लिए आपको बिल्कुल स्लो मोशन में आपके सामने हेयर कट कर रहे हैं। हमने ये कट किया और ये जो कट हेयर वाले हैं तो इनको हम पतली पार्टिंग बाकी हेयर की कर रहे हैं और उसमें कुछ हेयर को गाइडलाइन के रूप में लिया है हमने। और उससे मैच करते हुए, हम उससे टच करते हुए इन हेयर का कट करेंगे। ये देखिए, हमको ब्लंट करना है, यू नहीं करना है, इसलिए ये 2 इंच के लगभग का है और बिल्कुल बैक पोर्शन पर हम, हो सकता है कि हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग 3 इंच के लगभग का हेयर कट हो जाएगा। ये देखिए आप, इस तरह से हमने गाइडलाइन अपने साथ ली है तो कोई डाउट वाली बात नहीं रहती है कि छोटे बड़े हेयर हैं, और कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि हमारा हेयर कट परफेक्टली है या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आप, हमने ये कट किया। और बहुत ही इजी मेथड में हम आपको बताना चाह रहे हैं, सिखाने के हिसाब से स्लो मोशन में सारा हेयर कट करके बताएंगे आपको, आप ध्यान से देखिएगा।
और ये इस तरह से देखिए, हमने फिर पतली पार्टिंग की, और पतली पार्टिंग करने के बाद में कोई सेक्शन क्लिप नहीं लगा रहे हैं, और फिंगर ग्रिपिंग के साथ में हमने इन हेयर को लिया, और जो हेयर कट हमने किया है उसमें से कुछ हेयर को गाइडलाइन के रूप में हमने मिक्स किया, और इससे मैच करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सीजर हम चलाएंगे। और ये देखिए आप, बहुत ही इजी मेथड में है, उससे मैच करते हुए हमने कट किया और हमारा हेयर कट इजी वे में आपके सामने पेश हुआ। इसी तरह देखिए कितनी जल्दी ये इन हेयर का हमने कट किया है, और एक बैक पोर्शन में जो लेंथ है हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, है ना, इसमें कोई यू शेप का हमको कर्व नहीं लेना है, और ब्लंट हेयर कट ही हम बैक पोर्शन से शो करेंगे। अगर हमने यू शेप लिया तो थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारी कटिंग का नाम हमको चेंज नहीं करना है, ब्लंट हेयर कटिंग बैक से है। और फ्रंट पोर्शन से आपने देखा जैसे कि हमने साधना का लुक दिया है, या बच्चों की हेयर कटिंग में आई लव यू रसना के नाम से भी इस हेयर कटिंग को बोलते हैं। तो ये बहुत लिटिल बेबी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं है, तो इसलिए ये देखिए फेस के अकॉर्डिंग हमने इनका ये कट किया है, इसलिए वी शेप लिया है। वी शेप में ज़्यादा हेयर नहीं गए और कम हेयर में ही फेस का लुक आ गया। ये देखिए इस तरह से हम राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड तक हम आ गए, और बहुत ही बातों ही बातों में ये हेयर कट आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। विश्वास है आप ध्यान से देख रहे होंगे, एक सीखने का जो उमंग होती है, एक चाहत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको भी लगता है कि हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके हर चीज़ को बताएं। ये देखिए आप इस तरह से हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड से कट कंप्लीट किया, और ये आपके सामने है। अब हमको लगता है कि छोटे बड़े हेयर हमको नज़र आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम फिनिशिंग देंगे। इस तरह से कॉम करते जाएंगे और फिनिशिंग के जरिए हम हेयर को इक्वल करेंगे। दोस्तों हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज हमने बॉम्बे ब्यूटी पार्लर के नाम से बनाया हुआ है, फेसबुक टाइमलाइन पर भी हमने सेंड किए हुए हैं हमारे काफ़ी सारे वीडियो, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो और स्टेटस जो यूट्यूब का है उस पर हम पोस्ट करते रहते हैं, तो आपने देखे होंगे, और ज़रूर उनसे कुछ सीखने को भी शायद मिला होगा। आप अपने व्यूज़ बताइएगा, हमको वेट रहता है। और ये देखिए बहुत ही इजी मेथड में ये हेयर कट हमने आपके सामने शेयर किया है, और इस तरह से फेस लुक हम किस तरह से कर सकते हैं। हमारा जो कपड़ों के अलावा बॉडी का और फेस का जो लुक होता है, चेंज होता है, इसके अलावा हेयर कटिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हेयर कटिंग अगर हमारी अच्छी है तो हमारा फेस और अट्रैक्टिव लगेगा, और जो हमारा अट्रैक्शन है, स्मार्टनेस है, वो ज़्यादा दिखाई देगा। हेयर कटिंग से हमारी बॉडी पर, हमारे फेस पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपने देखा, इस स्कूल गोइंग गर्ल को आपने पहले देखा तो, और अब देखेंगे आप, तो काफ़ी चेंज आपको खुद ब खुद नज़र आएगा। तो ये हमारे कार्यशैली आपको कैसी लगी, हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, आप बिल्कुल बताइएगा, और किस तरह की आपकी चॉइस है हम उसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे वाला जो वीडियो है आपके सामने कोशिश करेंगे कि एक नए अंदाज में आपके सामने दोबारा से पेश करें। और ये देखिए आप फिनिशिंग देते हुए, फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्यों कि अगर सूखने के बाद में हेयर छोटे बड़े नज़र आते हैं तो बहुत ही गंदा लुक आता है और हमारा काम बहुत ख़राब लगता है, हमको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है,
और क्लाइंट भी फिर गंदे व्यूज लेकर जाता है, इसलिए हम देखिए दोनों साइड से कुछ हेयर को लिया है हमने और दोनों को सेंटर में लाकर हमने नापा है, तो कुछ अंतर 19-20 नज़र आया तो हमने उसको बिल्कुल इक्वल करके सेट किया। ये देखिए बहुत ही अच्छे लुक में आपके सामने मेरी क्लाइंट नज़र आ रही हैं, और फेस लुक कितना चेंज हुआ वो आपने भी महसूस किया है। कोई ड्रायर नहीं है, कोई हेयर सेटिंग नहीं है, किसी तरह का कोई लोशन नहीं लगाए, ये नेचुरल वे में हेयर कटिंग के बाद के हेयर हैं। तो फ्रेंड्स, अपने विचार, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगले वीडियो में नए अंदाज में आपके साथ फिर मिलते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद।